मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए जीत ग्राफिक को और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आज नया टॉपिक के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरल डू 19 में फूड बैनर डिजाइन कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। न्यू पेज लेंगे, कंट्रोल लाइन भी प्रेस करेंगे, यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रखेंगे 70-30। ठीक है, 300 यहाँ से ओके नेमिंग कर दिए और यहाँ से ओके कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक साइज आ गया है। अब हम यहाँ पे देख सकते हो रेक्टेंगल लेंगे, डबल क्लिक कर देंगे और इसमें हम मार्जिन लगा लेते हैं फिलहाल। और सेम यहाँ से जाएंगे, देख सकते हो कंट्रोल, और यहाँ पे एक ले लेंगे, एक ही लेंगे और यहाँ पे 3 mm। और जैसा साइज है उसी हिसाब से हम यहाँ पे रखते हैं। अगर 30-70 पूरा रखेंगे तो कम से कम 2-2 इंच या 3-3 इंच हम रख देंगे चारों तरफ से। ये इस तरीके से हमारा लग गया है। और फिर हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके सेम देख सकते हो ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। इस तरीके से डिलीट हो गया फ्रेंड। अब हम इसमें थोड़ा सा कोई कलर भी ले लेते हैं फिलहाल इस तरीके से। अब हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे ले जाके रखेंगे और इसमें हम यहाँ जाएंगे, देख सकते हैं कन्वर्ट टू कर पे क्लिक कर देंगे और फिर ये सेव टू सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको ऑल सिलेक्ट करके यहाँ से टू कर पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसको माइनस कर देंगे, इस तरीके से इसको ऊपर ले लेते हैं और एक शेप बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा अलग कलर करेंगे इस तरीके से। फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी और फिर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इसको इस तरीके से ले लेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे, कम से कम ले लेंगे इसको लोगो लगाने के लिए, और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। और इसको हम इस तरीके से करेंगे, ये ठीक है। अब हम एक और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर देंगे और इसको इस तरीके से करेंगे। इसमें थोड़ा सा और कलर कोई ले लेते हैं जिससे हमें पता चले, और फिर हम इसको इस तरीके से करके और इसको छोटा करेंगे लगा देंगे, इसको अंदर कर देंगे और फिर इसको इस तरीके से हम नीचे तक इस तरीके से। अब इसको सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से जाएंगे, ये देख सकते हो ऑर्डर फ्रंट कर देंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट हो गया। अब इन सारे को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसमें जाएंगे हम, देख सकते हो स्मार्ट है यहाँ पे, स्मार्ट फिल टूल पे सिलेक्ट करेंगे और फिर एक पॉइंट बनाएंगे 1x1 करके। पहले फिलहाल इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, इसको कट कर लेते हैं और इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और फिर पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, इसको हम इस तरीके से यहाँ से ले लिए। ठीक है, और फिर इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से कर लेंगे और फिर इसको हम 90 कर देंगे यहाँ से, और फिर इसको भी हम यहाँ पर ले जाएंगे और फिर इसको सिलेक्ट करके ट्रिम कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये बन गया है फ्रेंड। फ्रेंड ओपन कर लेते हैं, इसमें लोगो और जो कलर सेट करने वाले हैं उसको ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप पे से, ये देख सकते हो लोगो, और फिर हम यहाँ से इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा पेस्ट हो गया है और ये कलर है हमारे। ठीक है, पहले फिलहाल इसको हम इस तरीके से यहाँ पर फिल कर देते हैं और अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो इंटरेक्टिव फिल टूल, और इसको कॉपी करेंगे और फिर इसमें इस तरीके से लगा देंगे। ये हमारे दोनों बन गए हैं। अब इसमें हम आपको 1x1 इसमें दिखा देते हैं कौन कौन से कलर हमने ग्रेडियंट में फिल किए हुए हैं। ये देख सकते हो कितना है हमारा,
देख सकते हो 45 ये हम सेम वाई के कर देते हैं, देख सकते हो, ये आप नोट कर सकते हो 60, 63 और 65, 85 और सेम इसमें थोड़ा सा लाइट है उससे देख सकते हो 77 सॉरी ये RGB भी आप नोट कर सकते हो 53 थोड़ा सा इसमें हल्का सा डिफरेंट मैंने किया हुआ है। और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये देख सकते हो इसमें भी और ये देख सकते हो 31, 85, 100, 39 ठीक है ये हमारा आपको हो गया होगा कंफर्म। और ये इसमें देख सकते हो राउंडेड हमने रखा हुआ है फाउंटेन फिल ठीक है इस पर एक हमने क्लिक किया हुआ है। बाकी आप ये देख सकते हो पोजिशन ओके इसको ओके कर देते हैं और डॉक्यूमेंट तो हमने इसमें हम ये सेम वाई के कर देते हैं और यहाँ से नोट कर सकते हैं 352 100 ठीक है और इसको हम ओके कर देंगे। अब हम इसको फिर को सिलेक्ट करके यहाँ से जाते हैं कॉपी और फिर हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से पेस्ट हो गया है। और फिर हम इसको इस तरीके से छोटा कर लेंगे ये हो गया और फिर इसको हम इस तरीके से छोटा करेंगे सॉरी इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे यहाँ तक ये देख सकते हो ये इस तरीके से हमारा बन गया है। अब हम इसमें ये वाला ग्रेडियंट जो हमारा है इसको फिल करते हैं इसको हम इस तरीके से फिल करेंगे सेम और इसको भी हम बताते हैं फ्रेंड कौन सा इसमें हमारा ग्रेडियंट है इसको भी ले लिया और फिर इसमें भी हम सेम कॉपी और ये पेस्ट कर देंगे इस तरीके से हमारा बन गया है। अब हम इसमें इसको सिलेक्ट करके और इसमें हम फिलहाल ये ग्रे रखते हैं और आउटलाइन हम इसमें 3 PT रखते हैं ठीक है और फिर हम इसको वाइट रख देते हैं वाइट है हमारा ये रहा ये वाइट इस तरीके से हमने रख दिया है और ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसमें जो हमारा ये ब्लैक है आउटलाइन इसको हम यहाँ से नन कर देंगे। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब फिलहाल हम जो लोगो कॉपी किए थे इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको लोगो को हम यहाँ लगा लेते हैं और इसमें फ्रेंड देख सकते हो कौन कौन से कलर हैं फिलहाल आप देख सकते हो इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इस पर सिलेक्ट करके ये देख सकते हो ये है हमारा 5900 ठीक है फ्रेंड और इसमें है हमारा ये देख सकते हो सेम आके 100 100 हमारा जो रेड होता है वही रेड है और इसको हम यहाँ पे करके इसको बंद कर लेते हैं फिलहाल। अब हमारा रह गया इसमें फ्रेंड मैटर सेट करने के लिए तो मैटर हमारा ये है फ्रेंड देख सकते हो इसको यहाँ से कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे ठीक है और इसको कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे ये 3 है इसको हम गोल कर लेंगे और इसको हम 18 के आसपास 16 रखेंगे 14 ये ठीक है और इसमें हम 2 ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कॉपी और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको यहाँ पे रख लेंगे इसको हम कम से कम 12 ही रखते हैं फ्रेंड ये ठीक है 12 आ गया है और इसको व्हाइट कर देते हैं थोड़ा सा इस तरीके से हम और नीचे ले लेंगे हम इस तरीके से इसको टॉप से हम अलाइन कर देंगे। अब हमारा रह गया इसमें एक बुलेट पॉइंट बनाने के लिए फिलहाल हम इसको यहाँ करके और फिर हम इसको ये लेते हैं देख सकते हो रेक्टेंगल टूल्स और इसमें थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर देंगे हल्का सा ये ज़्यादा हो गया इस तरीके से और आउटलाइन हम नन कर देंगे और फिर हम देख सकते हो इंटरेक्टिव फिल टूल और ये वाला जो कलर है इसको हम कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम लगा देंगे। अब इसको हम लेके आएंगे और यहाँ से हम 45 रोटेट कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा और इसको हम बुलेट के हिसाब से सॉरी छोटा कर देंगे शिफ्ट प्रेस करके हम इसको छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद हम यहाँ पे लगा लेते हैं फिर प्लस फिर एक यहाँ पे फिर प्लस और एक यहाँ पे ठीक है और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे हम रख लेंगे
इस तरीके से हमारा ये बन गया फन। अब हमारा इसमें हम जो कट कर लेते हैं और फिर इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, पेस्ट कर दिए। और इसमें हम यहाँ पे जाते हैं और इसको हम व्हाइट कर देंगे, ठीक है, छोटा कर लेंगे इस तरीके से। और इसके लिए भी हम एक, और इसको इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, ठीक है। और इसमें फिलहाल हम व्हाइट रखेंगे और फिर जाएंगे हम ऑब्जेक्ट में, ये देख सकते हो, कन्वर्ट टू कर्व क्लिक कर देंगे और फिर हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एक कॉपी पेस्ट कर लेंगे या प्लस कर लेंगे इस तरीके से, और फिर हम एक इस तरीके से बनाएंगे। और इसमें फिलहाल हम ये कलर फिल कर देंगे और एक सेंड बैक करेंगे, यहाँ से देख सकते हो ऑर्डर वन सेंड बैक, ठीक है। और फिर हम इस तरीके से ले लेंगे और दोनों को सिलेक्ट करके आउटलाइन नन कर देंगे। और फिर हम ये जो टैक्स था अंदर उसको ले लेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे टैक्स को और फिर यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट में, देख सकते हो ऑर्डर फ्रंट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें आई ड्रॉपर लेंगे, ये देख सकते हो आई ड्रॉपर, और इसको हम पिक करके और फिर हम यहाँ पे लेके आएंगे और इस तरीके से हम लगा देंगे, जो कि ये देख सकते हो काफी खूबसूरत हमारा लग रहा है। इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। अब हमारा रहता है यहाँ पे ये, इसके लिए हम फॉन्ट लगाएंगे कुशन, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे के यू कुशन स्क्रिप्ट इस तरीके से आ रहा है। और फिर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और फिर इसको और इन दोनों को ये वाला हम फॉन्ट लगा देंगे और हेल्थ में हम फिलहाल फ्रंट व्हाइट लगा देंगे। ये इस तरीके से हमारा काफी खूबसूरत लगेगा। थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। ये देख सकते हो काफी खूबसूरत लग रहा है। अब ठीक है फ्रेंड, अब हम इसमें जो इमेज लगाएंगे वहां यहाँ पे जाएंगे, अब हम इसमें इमेज लगाएंगे फ्रेंड। अब हम यहाँ पे जाएंगे, देख सकते हो इम्पोर्ट में जाएंगे और आप जहाँ पे पाथ रखे होंगे वहां पे जाके इस तरीके से पहला हमारा इसमें लगेगा और दूसरा यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे करके पावर क्लिप में हम लेके जाएंगे, देख सकते हो इस तरीके से सेंड कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एडिट करेंगे और इसको इस तरीके से हम रखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर हम फिनिश कर देंगे इस तरीके से। अब हमारा ये रहता है, इसको भी हम सेम वही पावर क्लिप में लगाएंगे और फिर एडिट पे जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हो, और फिर हम इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, ये इस तरीके से लग गया है और फिर फिनिश कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको दोनों को सिलेक्ट करके फ्रेंड यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप शैडो हल्का सा लगाएंगे, इसको इतना ही रहने देंगे, ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे जिससे हमें ये थोड़ा सा शैडो जैसा दिखे, ये काफी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। ये देख सकते हो कितने आसानी से हमने फ्रंट बना लिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और कमेंट करें। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।